साइंटिफिक नॉलेज और नॉन साइंटिफिक नॉलेज में एक वर्ड यूज और होता है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ये भी डिस्कस कर लेते हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हर बार हम लोग नोटिस कर रहे हैं और उसको नोट डाउन कर रहे हैं। अब वो मान लीजिए मैंने 10 ऑब्जर्वेशन लिए, अब वो 10 ऑब्जर्वेशन में हर ऑब्जर्वेशन अलग अलग आ रहा है, बहुत ही रैंडम, बहुत दूर दूर आ रहे हैं, इसका मतलब रिलायबिलिटी नहीं है। रिलायबिलिटी तो तब होती है सारे ऑब्जर्वेशन आसपास आते, क्लोज आते, तो ये होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब एक ही वैल्यू के आसपास आना, कंसंट्रेशन होना। भाई उल्टी सीधी कुछ वैल्यू आए, मेरा मास मेजर करो, एक बार है 30 kg, एक बार है 300 kg, क्या रिलायबिलिटी है? कोई रिलायबिलिटी नहीं। तो वैसे अलग बात है, 30 ना 300 कुछ भी नहीं है। वैलिडिटी, अब आते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि 30 आए, 300 आए, मान लीजिए मेरा 10 बार ऑब्जर्वेशन लिया, हर बार मेरा 300 kg आ गया, देखो मैं दुबला पतला, हर बार मेरा 300 kg आ गया, 10 बार ऑब्जर्वेशन, रिलायबल है, बहुत रिलायबल है भाई, हर बार 300 आ रहा है। लेकिन गलत आ रहा है ना भैया, मेरा वेट तो खाली 70 kg है, तो वैलिडिटी नहीं है। वैलिडिटी का मतलब वैलिड तो नहीं है ना, 300 kg वैलिड मान लोगे क्या मेरा? वैलिडिटी का मतलब है सही भी तो आना चाहिए। तो वैलिडिटी एक तरीके से एक्यूरेसी है और रिलायबिलिटी एक तरीके से रिपीटेशन है। रिलायबिलिटी एक तरीके से रिपीटेशन है। तो देखो ये बनाया मैंने, ये जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, ये मेजर वैल्यू है। मेजर वैल्यू पास पास तो आ रही है बट एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर आ रही है, तो रिलायबल है बट वैलिड नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। इसमें आते हैं दूसरे वाले में। इस वाले में देखिए ऑब्जर्वेशन क्लोज तो आ रहा है, स्कैटर्ड है, कुछ दूर है कुछ पास में है, बट देखिए ऐसा नहीं कि सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हो, सारे ऑब्जर्वेशन अलग अलग आ रहे हैं, मतलब वैलिडिटी है बट रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन बड़े, बहुत बड़ी रेंज है, मिनिमा से मैक्सिमा बहुत दूर है। इसमें ना तो ऑब्जर्वेशन एक्चुअल के पास आ रहे हैं, ना एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ना तो रिलायबल ना तो वैलिड, बहुत बेकार है। लास्ट वाला देखिए, बिल्कुल सही टारगेट के आसपास है और क्लोज भी है, एक दूसरे से भी क्लोज है, तो रिलायबल भी और वैलिड भी है। बेस्ट ऑब्जर्वेशन वही होता है, बेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन वही है, बेस्ट रिजल्ट वही है जो रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों ज़्यादा हो। साइंस और नॉन साइंस में डिफरेंस यही है कि जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो रिलायबल भी होते हैं और वैलिड भी होते हैं, नॉन साइंटिफिक नॉलेज की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत कम होती है।